हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ihdfantasy.com में। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे IPL T20 का जो 16वां मैच होने वाला है दिल्ली कैपिटल वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के मैच की मैच इन्फो, पिच रिपोर्ट, टीम न्यूज़, इसके जो हेड टू हेड मैचेस का जो प्रीवियस इनकाउंटर हुआ उसके बारे में, और लास्ट 5 IPL मैचेस तो इन दोनों टीमों के बीच में हुए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक ड्रीम 11 और माय टीम 10 की एक बेहतरीन फैंटेसी टीम भी दूंगा। तो उससे पहले आप जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। यहाँ पर आपको आज के मैच की फाइनल टीम आपको यहीं मिलेगी। तो आप जल्दी से जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो जो बंदे चैनल पर नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो मैच होने वाला है कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग्स और दिल्ली कैपिटल के बीच में, ये मैच होगा शारजहाँ क्रिकेट स्टेडियम शारजहाँ में। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज के मैच की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो आज के मैच की पिच रिपोर्ट कुछ ऐसी है, आज आपको काफ़ी हाई स्कोर देखने को मिल सकता है, आज के मैच में, और स्पिनर्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी, ये मैं आपको बता दूं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस दोनों टीम के जो हेड टू हेड मैचेस हुए उसके बारे में। तो अभी तक टोटल 24 हेड टू हेड मैचेस हुए हैं इन दोनों टीम्स के बीच में, जिसमें दिल्ली कैपिटल ने 10 बार जीत हासिल करी है और कोलकाता नाइट राइडर्स ने 13 बार जीत हासिल करी। एक मैच जो है इनका रिकॉर्ड में नहीं है, काउंट नहीं हुआ है, पता नहीं किस वजह से। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इनका जो प्रीवियस इनकाउंटर हुआ है दिल्ली कैपिटल वर्सेज KKR का जो प्रीवियस इनकाउंटर हुआ उसके बारे में। तो इसमें आप देख सकते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स ने 178 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर, और वहीं दिल्ली कैपिटल ने बहुत ही बेहतरीन चेस किया था, 180 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पर। तो कोलकाता नाइट राइडर्स की अगर बात करते हैं, शुभमन गिल ने 39 गेंदों पर 65 रन बनाए थे और आंद्रे रसल ने 21 गेंदों पर 45 रन बनाए थे। वहीं क्रिस मोरिस ने 2 विकेट लिए थे और रवाडा ने भी 2 विकेट लिए थे। और दिल्ली कैपिटल में बात करते हैं तो शिखर धवन ने 63 गेंदों पर 97 रन बनाए थे, शतक होते होते रह गया था इनका। वहीं ऋषभ पंत ने 31 गेंदों पर 46 रन बनाए थे, नीतीश राणा ने विकेट लिया था, प्रशांत कृष्णा ने भी 1 विकेट लिया था। तो चलिए हम बात करते हैं लास्ट 5 IPL मैचेस की जो इन दोनों टीम्स के बीच में हुए हैं उन लास्ट 5 IPL मैच के रिकॉर्ड के बारे में। तो दिल्ली कैपिटल की तरफ चलते हैं, तो उन्होंने पहला मैच जीता था, दूसरा भी और तीसरा भी, चौथा और पांचवा मैच दिल्ली कैपिटल हार गई थी। वहीं KKR की तरफ चलते हैं, तो उन्होंने पहला दूसरा तीसरा मैच हारी थी और चौथा और पांचवा जीती थी। तो अब हम बात करेंगे दिल्ली कैपिटल IPL T20 का जो इनका स्क्वाड है उसमें कौन कौन से प्लेयर है इनके बारे में। तो मैंने सारे ही प्लेयर के नाम यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, आप आराम से वीडियो को पॉज करके इन प्लेयर के नाम को पढ़ लीजिएगा। भाई अब KKR के स्क्वाड की तरफ चलते हैं, तो उसमें कौन कौन से प्लेयर हैं उन सब के नाम भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, तो आप आराम से वीडियो को पॉज करके इन प्लेयर के नाम को पढ़ सकते हैं। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की और टीम न्यूज़ की तरफ, आज के मैच की टीम न्यूज़ के बाद। तो अब हम बात करते हैं अश्विन की। अश्विन आज खेल सकते हैं, खेलेंगे, फिट हैं काफ़ी, हम सभी जगह पर अश्विन को रिप्लेस किया जा सकता है आज। और कीमो पॉल को भी आज चांस है नौकिया की जगह पर खेलने का, कीमो पॉल्स भी खेल सकते हैं नौकिया की जगह पर, वो तो बाद में देखते हैं कि क्या होता है। और KKR अपनी सेम प्लेइंग 11 के साथ आगे बढ़ना चाहेगी। तो चलिए हम बात करते हैं दिल्ली कैपिटल के प्लेइंग 11 कौन कौन से प्रोबेबली होने वाले हैं। उसमें आपके होगा शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, शिरमोहन हिटमायर, सुरेश अय्यर, ऋषभ पंत, मार्कुस स्टोनिस, अमित मिश्रा, अक्षर पटेल, रावाडा, नौरखिया, अवेश खान, ये तो हो गया हमारे दिल्ली कैपिटल के प्लेइंग 11।
हम बात करेंगे केकेआर के प्लेइंग 11 कौन कौन से होने वाले हैं। उसमें आपके होगा सुनील नरेन, सुमन गिल, इवन मॉर्गन, नीतीश राणा, आंध्रचल, दिनेश कार्तिक, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, पैट कमिंस, शिवम मावी, कमलेश नागर कोटी। तो ये तो रहे हमारे प्लेइंग 11। अब हम बात करेंगे कि आप अगर फैंटसी टीम बना रहे हैं तो उसमें किसको कैप्टन और किसको वाइस कैप्टन ले, इस बारे में हम बात करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे दिल्ली कैपिटल की। इसमें आप शिखर धवन, श्रेयस हिटबाय और ऋषभ पंत को कैप्टन और वाइस कैप्टन की चॉइस में ले सकते हैं। वहीं केकेआर की बात करेंगे तो आप इवन मॉर्गन, सुनील नरेन और आंद्रे रसल को कैप्टन और वाइस कैप्टन की चॉइस में ले सकते हैं। दोस्तों ये रही हमारे आज की मैच की टीम। इसमें मैंने विकेट कीपर ऋषभ पंत को लिया है, बैट्समैन आपके पृथ्वी शॉ और शिखर धवन, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल को लिया। ऑलराउंडर मैंने आंद्रे रसल को लिया है, मार्कस स्टोन, अक्षर पटेल को भी ले सकते हैं आप। और बॉलिंग सेक्शन में मैंने आपके अमित मिश्रा, नौरखिया, रबाडा, शुभम मावी, पैट कमिंस को लिया है। अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के। कैप्टन मैंने श्रेयस अय्यर लिया है, वाइस कैप्टन शुभमन गिल को लिया है। आप शिखर धवन को भी कैप्टन के चॉइस में ले सकते हैं। आज परफॉर्म करने के चांसेस हैं शिखर धवन के, काफ़ी अच्छा परफॉर्म दे सकते हैं। तो ये तो मैंने निचली टीम बना के दे दी है आपको। जो भी हमारे आज के मैच की फाइनल टीम होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पर मैं आपको फाइनल टीम भी आपको यहीं मिलेगी, तो आप जल्दी जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ISDFantasy.com को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हम ऐसी फैंटेसी क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स और न्यूज़ हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो जो फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आज सभी लोग अपने घरों पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।